तो दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए कि आपका एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आ चुका है। हाँ, आपने सही सुना कि लगभग सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसका 24 तारीख को एग्जाम है और जिसका 25 में होगा, 26 में होगा, उसके भी आपका एक एक दिन छोड़कर आपके एडमिट कार्ड आते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका एडमिट कार्ड में क्या क्या नए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये तो पता है आप सभी को कैसे करते हैं, एक बार मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आपको ठीक है क्या क्या नई चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार अपने वीडियो को शेयर कर दें। सिंपल, आपको CSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, साथ में आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद अपना आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कच्चा कोड गिरने के बाद अपना साइन इन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से साइन इन कर लेंगे। जैसे ही साइन इन करते हैं, सिंपल आप लोग यहाँ से आएंगे, नीचे सबसे आपको दिखाई देगा अपना आपका एग्जाम डेट एंड आपका एडमिट कार्ड फेज 1 डाउनलोड। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड वाले पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप लोग इसको नीचे लेके जाएंगे, नीचे आपका ठीक है। जैसे आप लोग नीचे लेके जाएंगे, इसको नीचे जाने के बाद आपको वहाँ पर आपका दिखाई देगा एग्जाम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन। और जैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके नीचे एग्ज़ाम डेट, ठीक है, शिफ्ट कौन सी है, यहाँ पर शिफ्ट C1 दी गई है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 3:25, ठीक है, सबका रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग होगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर जो एड्रेस है, आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होने वाला है, ठीक है, आप लोग इससे अच्छे देखें, यहाँ पर जैसे कि नांगलोई में इसका एग्ज़ाम है, दिल्ली में, तो ऐसे आपको भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लैंडमार्क भी आपको मिलेगा, आपकी लोकेशन का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर दी गई है इस बार की। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर नीचे अपना डेट प्लेस, आपको सिग्नेचर आपको बाद में भरने हैं, अभी नहीं, ठीक है, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, नीचे देखेंगे आप सभी का, नीचे दिखाई देगा द फेज 1 सेक्शन टेस्ट विल बी ऑन ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड आपका जो होगा, ठीक है, सिंपल से आपका एक मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन करने का और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, बाकी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, आपको जैसे कि जम्मू कश्मीर है या फिर आपका असम मेघालय के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना अनिवार्य है, बाकी आप लोग और कोई सा भी डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर दी गई है सारी चीज़ें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर COVID-19 का फॉलो जो उसके इंस्ट्रक्शन है उसका फॉलो करना है, कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर आती है एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको क्या क्या चीज़ लेके आनी है वो भी आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं, मगर यहाँ पर आपका मेन पॉइंट आता है कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए वो आपका एडमिट कार्ड के साथ ही आएगा, आपको वही लेके आना है, आपका दूसरा नहीं लेके आना है। ठीक है, कभी आप अपने पास निकाल लें और आप लोग इसको भर लेंगे, आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सभी को। उससे अलग बात करते हैं कि भाई आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो मैंने आपको अपलोड कर दिए टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग आएंगे टोपर ज्ञान अकेडमी पर, आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा इस टाइप से। ठीक है, आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे के सारे लास्ट टाइम आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, भारत का नेपोलियन कौन था, एंड आपका इसका एडजेक्टिव पूछा गया था, प्रेफर के प्रिपोजिशन पूछे गए थे, ये आप सभी के क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम आए थे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएँ। और टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।